अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेज नंबर 31 नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 एंड 5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की इज़्ज़त अफजाई किस तरह फरमाई। इसका आंसर है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इज़्ज़त दी और फरमाया कि जो कोई अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे अमान है, इसके अलावा जो हथियार डाल देगा मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए या अपना दरवाज़ा बंद कर ले उसको भी अमान है। यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन का आंसर कम्प्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को ठोकर मारते हुए क्या फरमाते जाते थे। इसका आंसर है यहाँ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को ठोकर मारते जाते और कहते जाते हक आ गया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला है, ठीक है। ये फोर्थ लिखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से खिताब में क्या इरशाद फरमाया। इसका आंसर है यहाँ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हमद सना के बाद कुरैश से फरमाया, कुरैश के लोगों तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसे सलूक करने वाला हूँ। वो बोले अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के साहबजादे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैं तुमसे वही बात कर रहा हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, आज तुम पर कोई सरज़निश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो, ठीक है। यहाँ तक कम्प्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। आपने ये तीनों क्वेश्चन नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखने हैं।